नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में आषाढ़ मास में 2022 में गुप्त नवरात्रि व्रत कब प्रारंभ है यह बताऊंगी। और मैं आपको ये बता दूंगी गुप्त नवरात्रि की कथा की वीडियो और गुप्त नवरात्रि में किन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने का विधान है यह जानकारी भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना के अपलोड की है। ऐसी वीडियो जो गुप्त नवरात्रि से संबंधित है उसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके उसमें यह वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि 2022 आषाढ़ की जो गुप्त नवरात्रि है वह 30 जून से 9 जुलाई तक पड़ेगी। गुप्त नवरात्रि में देवी के गुप्त महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। यह 10 महाविद्याएं ही हैं जो संसार को चलाती हैं। इन 10 महाविद्याओं की जो शक्ति है, जो मेन अधिष्ठात्री देवी है, वह पार्वती माँ दुर्गा का स्वरूप माँ पार्वती ही है। माँ पार्वती की यह 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त नवरात्रों में विशेषकर लोग करते हैं। इन नवरात्रों की जो विशेष महत्ता उनके लिए है जो साधना करते हैं, सभी को गुप्त नवरात्रों में इन देवियों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना से व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि हर प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होती है। इन गुप्त नवरात्रि के व्रतों के दिनों में जो साधक होते हैं वह विशेष साधना करके अपनी देवी को प्रसन्न कर लेते हैं। 10 महाविद्याओं में से किसी भी देवी के प्रति वह जो साधना करते हैं, कोई मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, वह उसको सिद्ध कर लेते हैं। और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए जो साधक होते हैं वह गुप्त नवरात्रियों में विशेषकर पूजा अर्चना साधना करते हैं। जो 10 महाविद्याएं हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। उनको हम काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, त्रिपुर बाला सुंदरी, धूमावती, मातंगी, बगलामुखी और कमला इत्यादि नामों से जानते हैं। यह 10 महाविद्याओं 10 दिशाओं में निवास करती हैं। इनका निवास स्थान यह 10 दिशाएं हैं। यह 10 दिशाओं की देवियाँ हैं। यह 10 देवियां 10 दिशाओं में वास करती हैं। यह 10 दिशाओं में यह देवियां सदा निरंतर ही निवास करती हैं। श्री विद्या की साधना करने वाले और भी किसी भी सिद्धियों की साधना करने वाले गुप्त नवरात्रियों में विशेषकर महादेवी की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी साधना को पूर्ण कर इच्छित फल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये थी जानकारी गुप्त नवरात्रि जो 30 जून से 9 जुलाई तक है, इसमें हम किन की पूजा करते हैं और इस गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है यह मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आप इसमें विशेष पूजा अर्चना नहीं जानते हैं तो आप माता की कोई भी मूर्ति फोटो लगाकर जिस प्रकार नवरात्रि में पूजा करते हैं उस प्रकार आप गुप्त नवरात्रि के दिनों में भी पूजा कर सकते हैं। इन दिनों में भी हमें माता की इसी प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इसी प्रकार की जानकारियां जो हिंदू धर्म से जुड़ी होती हैं, व्रतों त्यौहारों से जुड़ी होती हैं और बहुत सारे मंत्रों के बारे में जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं उसके बारे में आपको मैं बताती रहती हूँ, किस मंत्र का क्या प्रभाव है और इसका जप किस तरह करना चाहिए और बहुत सारे उपाय जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं वह भी मैं आपको बताती रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे व्रत जो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।